अंधेरा हो रहा है यार। बाकी हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है अभी 6:30 हो रहे हैं, हमारी 7:30 बजे की ट्रेन है। मैं क्या टाइम के निकलते हैं। बहुत रश है यार सुबह सुबह ही। वैसे तो आजकल अंधेरा ही रहता है सुबह, तो तब लग रहा है। बाकी गर्मियों में तो दिन रात एक जैसे ही होता है यहाँ पे, तो बाकी रश काफ़ी हो रहा है। बाकी आने वाली है ट्रेन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सभी लोग बढ़िया होंगे यार। हमने कर ली एक और नई जर्नी शुरू। हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ यार। हम लोग जा रहे हैं हिमाचल वापस। और हम लोग आ गए थे सुबह सुबह 6 बजे स्टेशन। ट्रेन आ चुकी है, अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी सीटों में। और चलते हैं, दिखाएंगे आज आपको सुबह का नज़ारे यहाँ से पहुँचते पहुँचते। पिछली बार हम रात में आए तो कुछ दिखा नहीं पाए थे, आज दिखाते हैं आपको। इंजॉय करना वीडियो को। निकल चुके हैं यार हम लोग स्टेशन से। ट्रेन निकल गई है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे, तो टाइम पे ही पहुँचा देगी शायद। बाकी इंजॉय करना है यार जर्नी को। आज डे टाइम में जा रहे हैं तो हर एक व्यू दिखाएंगे आपको जितना पॉसिबल होगा। ये देखो यार घर कितने पास बने हैं ट्रैक के, बिल्कुल साथ साथ ही है। यहाँ पे सारे के सारे घर जितने भी हैं बिल्कुल मतलब रोड के साथ ही दुकानें लगाई होती है। इन्होंने कितना रिस्क किया है। आ गए हैं यार कुरुक्षेत्र से आगे, तो अम्बाला पहुँचने वाले हैं थोड़ी देरी में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 11:30 का इसका वो है अराइवल टाइम। तो देखते हैं कितनी देरी में पहुँचते हैं। बाकी यार मौसम अब तो सही हो गया है, इससे पीछे बहुत ज़्यादा धुंध थी। और लाइक ये देखो इस तरह की ट्रेन है, कुछ नींद सी आ रही थी पहले, अब तो नहीं आ रही बाहर, क्योंकि विंडो से देख रहे हैं बाहर। तो बढ़िया मौसम हो रहा है यार। बाकी मेरे पिंपल हो गए हैं यहाँ एक, तो बाकी खा भी लिया है हमने। ये फ्रूटी बचती है तो अब इसका नंबर लगाते हैं, ज़रा छोड़ना क्यों कुछ। बाकी मौसम सही हो रहा है यार, दिखाता हूँ आपको बाहर के 2-3 शॉट्स। ये देखो यार गाइस क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, सही हो गया। बल्कि काफ़ी गर्मी जैसी है यहाँ पे बाहर, लाइक ऐसी हो रहा है फ्रस्ट्रेट जैसे, पर मौसम सही है फिर भी। दिल्ली में काफ़ी धुंध थी सुबह सुबह, ठंड भी थी थोड़ी थोड़ी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अब सही मौसम हो रहा है। बाकी कुछ इस तरह का कोच है यार हमारा अंदर से। हम लोग सीट सबसे लास्ट पहुंचने वाले हैं यार कालका। बाकी ट्रेन देखो यार कितनी लंबी है, इसका एंड दिख ही नहीं रहा। बाकी एंड तो भाई पूरे मज़े लिए जा रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है तो पूरे मज़े लिए जा रहे हैं बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होके। बहुत ही तगड़ी फीलिंग आ रही है यार। बाकी मोड़ पे ट्रेन जो दिखती है ना वो ऑसम है। पहुँचने वाले हैं यार हम लोग, ट्रेन खाली हो चुकी है पूरी। जहाँ मन करे वहाँ जाके लेट जाओ अगर नींद आ रही है तो। पर पहुँचने वाले हैं 5-10 मिनट में, तो क्या सोना फिर। ये देखो पीछे शेर भी लगा है हमारे पीछे, और ये बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर। ये देखो ठीक है, पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा आज कुछ थकान से भरा सफ़र था। सीधे सोलन के लिए पहाड़ों की और अपने शहर की तरफ हम लोग रवाना। कई दिन बाद आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कितने दिन बाद जा रहे हैं अपने घर वापस। बढ़िया लगता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। आपको भी आती होगी तो कमेंट करके बताना। वो देखो यार यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू होंगे। जब बहुत दिन बाद अपने शहर वापस लौटते हैं ऐसा लगता है भी कितने दिन बाद जा रहे हैं। और क्या सुंदर लग रहे हैं यहाँ से पहाड़ धीरे धीरे। कुछ धुंधुंध सी भी है पर मौसम बहुत अच्छा है यार कालका। ये इस वाली ट्रेन में आए थे हम, बाकी यहाँ सारे ट्रेन वगैरह लगी है। बाकी बस पकड़ते हैं यार आज यहाँ से, अब बस स्टैंड चलते हैं। पहले बस स्टैंड या गांधी चौक कहीं से भी पकड़ लेंगे। अच्छा सफ़र रहा, इतना बेकार भी नहीं था, पर थकान हो गई थी काफ़ी। पहले ही 2 दिन बाद तो टिकट मिली, पर चलो ठीक है मिल तो गई। पहुँच चुके हैं हम लोग, तो बाकी बस ले ली थी यार। बाकी हम लोग निकल चुके हैं, टोल टैक्स पहुँचने वाले हैं हम लोग, जाबली पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया हो रहा है यार, मैंने छोटा सा नैप ले लिया था बस में, थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है यार। बाकी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी मज़ा आया। तो कर रहे हैं भाई लोग मज़े, इंजॉय ले रहे हैं मज़े, जिंदगी के मज़े ले रहे हैं। आज घर पहुंच जाएंगे।